If any body is in motion, it will be in motion until or unless any external force applied to it. Okay, यही था inertia of motion. Okay, चलो देखो. Next देखते हैं inertia of direction. Inertia of direction क्या होता है? जैसे ऑटो में बैठे हो और ऑटो वाला क्या किया है तुमको, एकदम कॉर्नर के सीट में बैठाया, सडनली वो ऑटो लेके जा रहा है और एक टर्निंग पे क्या किया, टर्न कर गया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और विदाउट ब्रेक. तो जो पर्सन है पहले वो भी क्या था, ऑटो के साथ स्ट्रेट मूव कर रहा था, बट ऑटो क्या हुआ, टर्न हुआ. तो ये जो पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा. दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यानी एनी बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स डायरेक्शन. कोई भी बॉडी अपने मोशन में डायरेक्शन के चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा. ओके ठीक है. तो इसका एग्जांपल है जैसे साइकिल में मडगार्ड लगाते हैं. व्हाट इज द रीजन कि व्हील के साथ क्या होगा, जब मड स्टिक होके मूव करेगा तो एट दिस पॉइंट व्हील का डायरेक्शन इधर है, बट जो मड है उसका डायरेक्शन कहां रहेगा, टेंजेंटियल ऊपर के तरफ. तो ये जो मड है वो अगर मडगार्ड नहीं रहेगा तो कहां आएगा, पर्सन के ऊपर. दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सिमिलरली अगर एक स्टोन को टाई कर लिए हो और एक थ्रेड से टाई करके घुमा रहे हो. ओके सपोज ये स्टोन है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सडनली तुम्हारा थ्रेड ब्रेक हो गया, टूट गया. तो जैसे ही रस्सी टूटेगा ये जो स्टोन है ये क्या होगा, टेंजेंटियल डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं करेगा. यानी एनी बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कोई भी बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन का चेंज का क्या करता है, अपोज करता है. दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके क्लियर हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर. अब देखो व्हाट इज द और ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया. सपोज एक बॉडी है इसका मास है 10 kg, सेकेंड बॉडी का मास है 50 kg, विच विल हैव मोर इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स किसको स्लाइड करने के लिए मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 50 kg. दैट मीन्स इफ द बॉडी हैज मोर मास इट विल हैव मोर इनर्शिया. तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास. जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा ग्रेटर होगा. ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, लीनियर मोमेंटम. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम अगर डेफिनेशन देखोगे तो सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? सपोज
ट्रक है एंड दिस इज अ कार. बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन. ट्रक और कार दोनों का वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. एंड सडनली दे कोलाइड विथ अ वॉल. दोनों एक वॉल से कोलाइड कर गया, ये भी वॉल से, सेम वॉल से ये भी. नाउ द क्वेश्चन इज बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटी बट विच विल कॉज मोर डैमेज ऑन द वॉल. कौन वॉल पे ज्यादा डैमेज करेगा? फर्स्ट वाला. क्यों? व्हाट इज द रीजन? उसका मास ज्यादा है. इसका मास ज्यादा है तो फर्स्ट वाले का मास सेकेंड वाले के मास से ग्रेटर है, यानी ये ज्यादा डैमेज करेगा. इसका मतलब जिसका मास ग्रेटर है दैट विल बी अप्लाइड मोर फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. बट सेकेंड वाले केस में सपोज दिस इज अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम एंड दिस इज अ स्टोन ऑफ 1 kg. Both are throwing on a wall. एक साथ किसी वॉल पे थ्रो कर दिए. स्टोन का मास था 10 ग्राम, सॉरी बुलेट का मास है 10 ग्राम, स्टोन का मास है 1 kg. दोनों को थ्रो किए वॉल पे. विच विल कॉज मोर डैमेज? स्टोन की बुलेट. बुलेट यानी गोली, गोली फायर किए. बुलेट. व्हाट इज द रीजन? बुलेट का वेलोसिटी ग्रेटर है. तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्टोन, है कि नहीं? तो देखो यहां पे फर्स्ट वाले केस में मोर मास अप्लाइड मोर इंपैक्ट ऑन द वॉल, हियर लेस मासिव ऑब्जेक्ट बट हैविंग मोर वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट अप्लाई मोर इंपैक्ट ऑन द वॉल. यही हो रहा है ना, मास तो कम है मगर वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो डैमेज कर रहा है. इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के लिए ओनली मास रिक्वायर्ड है क्या? अगर किसी बॉडी में ओनली मास रहे तो ऐसा जरूरी है क्या कि वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं ना. या ओनली वेलोसिटी है तो भी ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हाईएस्ट वेलोसिटी या हाईएस्ट स्पीड किसका होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है ना. अभी तक लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का नहीं मिला है. जो अगर मैं टॉर्च ग्लो करूंगा तो वहां से जो लाइट निकलेगा उसका स्पीड कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. मगर अगर उसी लाइट को किसी पर्सन के ऊपर मैं इंसिडेंट कराऊंगा तो उसको कोई डैमेज वगैरह होगा क्या? नो सर. क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? उसका मास बहुत कम है. यस, क्योंकि लाइट में मास नियरली जीरो या जीरो ही होता है. यानी अगर अपने को कहीं पे फोर्स अप्लाई करना है तो मास भी रिक्वायर्ड है और वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड है. ओके,
तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ओके, तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय पी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ओके, नोट डाउन कर लिए डेफिनेशन कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। व्हाट विल बी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मास का क्या है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको। डायमेंशन फॉर्मूला कौन बताएगा, क्या होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला? क्या होना चाहिए भाई? क्यों इभा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? यस, मास का एम और वेलोसिटी का टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हुआ मोमेंटम। नाउ वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी विच हैज मोर मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास सेम है बट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मोर रहेगा? सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास स्मॉल m बट देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2, देन व्हाट विल बी देयर मोमेंटम? फर्स्ट का मोमेंटम है p1 इक्वल टू m v1 एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड इज m v2, बोथ हैविंग सेम मास बट डिफरेंट वेलोसिटी, then if v1 greater than v2, यानी velocity of A is greater than velocity of B, then what happen? Which has more momentum? A, यानी p1 greater than क्या हो जाएगा p2, यानी if two object of same mass moving with different velocities, then object moving with more velocity having more momentum. Okay, clear है? ये two mark के question में पूछता है। चलो second question है। If two object are different mass moving with same velocity, then which one has more momentum? Which has greater mass? Same velocity है, but masses are different.
तो किसका मोमेंटम ग्रेटर रहेगा, हैवियर वाले का कि लाइटर वाले का? जिसका मास ज्यादा होगा। यस ओके, जिसका मास ग्रेटर रहेगा। तो हाउ यू विल प्रूव, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 एंड मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, देन देयर मोमेंटम विल बी p1 इक्वल टू m1 v and p2 equal to m2 v. If m1 greater than m2, that means p1 also greater than p2. Yani if two objects moving with different, moving with same velocity, then momentum of heavier mass body is more than momentum of lighter body. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी बट हैविंग सेम मोमेंटम, देन विच हैज मोर वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है बट मास और वेलोसिटी ग्रेटर है, यानी एक हैवी ऑब्जेक्ट है एक लाइटर ऑब्जेक्ट है बट बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, तो किसका वेलोसिटी ग्रेटर रहेगा? देखो एक का मास m1, सेकेंड का मास m2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, मोमेंटम हो गया m1 v1, इसका मोमेंटम हो गया m2 v2, और यहां पर क्या बोला है, हियर p1 इक्वल टू p2, दैट मींस m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यानी v1 v2 अपॉन v1 इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब देखो इफ m1 ग्रेटर देन m2, पहले वाले बॉडी का मास ग्रेटर है, देन v2 ग्रेटर देन v1, यानी जिस बॉडी का मास लाइटर रहेगा दैट विल मूव विथ ग्रेटर वेलोसिटी। यानी इफ टू बॉडी हैविंग सेम मोमेंटम देन वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी मोर एज कंपेयर टू हैवियर बॉडी। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है चलो, तो ये मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? P इक्वल टू एम वी, ओके। यानी अगर ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन P एंड V, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप यानी कब, जब मास क्या है कांस्टेंट है, यानी मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज करने पे मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड पी और एम, इसी फॉर्मूला में इफ यू इंक्रीज द मास एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब है, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी दो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिस बॉडी का मास ग्रेटर होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ग्रेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं ग्राफ? ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स पासेस थ्रू ओरिजिन, उसी फॉर्म में है ना, y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का।
तो यहाँ पे y के प्लेस में b है और x के प्लेस में इधर हम लोग v ले लिए और इस साइड m ले लिए। सेकेंड है, ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन v एंड m, v और m में। तो यहां पर v इक्वल टू p अपॉन m होता है, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, m के। क्या बता रहा है ये कि मास इंक्रीज कराओगे तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी ग्राफ विल बी पैराबोलिक। ओके, क्लियर हुआ? Yes. चलो ये ग्राफ बना लो। चलो अब देखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ तो न्यूटन की थ्री लॉस फॉर द मोशन। फर्स्ट राइट, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इनर्शिया के बारे में। क्या होता है इनर्शिया? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल मूव विथ सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन until or unless any external force applied to it। समझ में आया? लिखो इसको, according to Newton first law, if any body is in rest it will be in rest, if it is in motion it will be in motion until or unless any external force applied to it। This is called Newton's first law। It is also called law of inertia। क्योंकि inertia में दोनों था ना, inertia of rest क्या था, if any body is rest it will be in rest, it was the inertia of rest। inertia of motion क्या था, if any body is in motion it will be in motion। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ फोर्स। इसको लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स क्या होता है, सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, तो व्हाट विल बी मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा। मास एम है, वेलोसिटी यू है, व्हाट विल बी मोमेंटम, एम इंटू यू होगा कि नहीं। फोर्स एफ अप्लाई किए तो वेलोसिटी हो गया
तो वही रहेगा। अब मोमेंटम क्या हुआ, एम वी, यानी मोमेंटम में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड दिस चेंज इज ड्यू टू दिस फोर्स, फोर्स अप्लाई किए तो मोमेंटम में चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। यानी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। थर्ड देखो, न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, अगर किसी को एक झापड़ मारोगे तो वो क्या तुमको गुलाब का फूल देगा क्या, कि वो भी एक झापड़ मारेगा? क्या होगा अमन, कोई आदमी चुपचाप खड़ा है रोड में, उसको जाके एक झापड़ मार दिया, क्या होगा काजल? वो भी मार देगा ना, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। किसी को गाली देगी तो गाली देगा, मार देगी तो मारेगा। ओके, तो यहां भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। यानी अगर एक बुक को या एक ऑब्जेक्ट को मैं एक सरफेस पे रख दूं तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, सरफेस भी इस पर क्या करेगा, सेम फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, ठीक है, तो ये तीनों लॉ को लिख लेना, नोट्स बना लेना, इसको हम लोग कल ब्रीफली डील करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, अटेंडेंस भेज दो आप कभी का। महक ओके, महक अटेंडेंस भेज देना। यस सर। ओके।